गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाइन्थ क्लास इंग्लिश। द नेम ऑफ द पोएम इज नाइन गोल्ड मेडल्स, रिटन बाय डेविड रोथ। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द पोएम। टुडे वी शैल डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। यस, लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम। लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम। रीड द पोएम साइलेंटली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, व्हाट इज दिस पोएम अबाउट, और व्हाट इज द पोएम अबाउट। द पोएम इज अबाउट हाउ नाइन गोल्ड मेडल्स वेयर गिवन टू नाइन प्लेयर्स और एथलेट्स इन ए रनिंग रेस। यस, क्वेश्चन नंबर टू, दैट इज हु केम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। आंसर इज द एथलेट्स केम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई डिड दे कम हियर कम देर। दे केम देर टू टेक पार्ट इन द रनिंग रेस एंड विन मेडल्स। नेक्स्ट, हु आर यूजुअली अवार्डेड द थ्री मेडल्स, गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज। द फर्स्ट सेकेंड एंड द थर्ड एथलेट्स इन एन इवेंट, विनिंग एथलेट्स इन एन इवेंट आर यूजुअली अवार्डेड थ्री मेडल्स, गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मीन्स यथाक्रमे। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज, यस, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट वाज द इवेंट फॉर व्हिच दे हैड कम। क्यों क्रीडा पाई से माने आसीथिले, क्यों क्रीडा प्रतियोगिता पाई से माने आसीथिले। दे हैड कम फॉर ए रनिंग रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, दैट इज व्हाट हैड दे डन बिफोर दे केम डाउन टू द गेम्स। यही क्रीड़ा प्रतियोगितारे भाग नेबा को आसीबा पूर्वरु से माने कौन करितिले। दे हैड अंडरगॉन मेनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग बिफोर दे हैड कम दे बिफोर दे केम डाउन टू दिज गेम्स। क्वेश्चन नंबर सेवेन, व्हाट इज द स्पेक्टेटर्स डू अराउंड द ओल्ड फील्ड। पुरातन पड़िया चारिपटे दर्शक माने कौन करुले। द स्पेक्टेटर्स मीन्स यू नो दर्शक माने गेदेड अराउंड द ओल्ड फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर एट, व्हाई डिड दे गेदर अराउंड द ओल्ड फील्ड। पुरातन पड़िया चारिपटे से माने कहीं एकत्रित होते, गेदेड मीन्स एकत्रित। दे गेदेड अराउंड द ओल्ड फील्ड टू चीयर ऑन द यंग वुमेन एंड मेन। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाई डिड देयर एक्साइटमेंट ग्रो हाई। से मानकर उत्तेजना कहीं बढ़ी जाइला। देयर एक्साइटमेंट ग्रो हाई एज द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वाज कमिंग नियरर। क्वेश्चन नंबर टेन, व्हाट वेर ऑल लाइनड अप फॉर होम। कौन सब धाड़ी धाड़ी होई सजा जाइला, क्यों मानी। द ब्लॉक्स वेर लाइनड अप फॉर द एथलेट्स टू रन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेवन, इट्स लाइक दिस इलेवन। नो,
Yes. What was the event? Question number 11. What was the event? Second line, third stanza. Yes. Eha krida pratijogita ro keu khel thila? The event was a 100-yard dash. Next question is, how many athletes were there? Ketoti khelaadi, kete jana khelaadi thile? There were 9 athletes or runners. Next, question number, that is 13. Yes, which word? In the third line, third stanza, says that the athletes had taken from a decision to win a medal. Yes, the word resolved says that the athletes had taken firm decision or drudha sankalpa, drudha nishpati, firm decision to win a medal. Just 1 minute. Now let's move to the next page. Yes, question number 14, and it is like this. Where were those 9 athletes? Say, 9 jana khiladi kyun thare thile? Those 9 athletes were in the back of a starting line. Question number 15, what were they poised for? Semane kyunthi pai prastuto rahithile? They were poised for the sound of the gun to start their running. Next one is, that is question number 16. Why was the pistol exploded? The pistol ru shabda kaingi baharila or pistol kaingi garji uthila? The pistol was exploded or the pistol exploded to give signal to the athletes to run. Next question, that is 17. What did the runners do? Dhabaka mane kon kale? The runners charged ahead, started running. As soon as the pistol exploded. Next question number 18. Who among the 9 runners was unable to run? 9 जन धावक मानक मध्यरु किए दौड़ीबाकू असमर्थ असमर्थ हले? दि स्मॉलेस्ट बॉय एमंग दि 9 रनर्स वाज अनेबल टू रन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, एंड इट इज लाइक दिस. व्हाई वाज ही अनेबल टू रन? से काहेकि दौड़ीबाकू असमर्थ हला? He was unable to run because he stumbled on a stone and staggered and fell down on the track or asla. Next, asphalt. He was unable to run because he stumbled on a stone, struggled and fell to asphalt. Next one is, where did, question number 20, where did he fall? Say, kyun tare padi gala? He fell to asphalt or on the track. Next, 21, 22. Who does he in the 5th stanza stand for? Panchama pankti re se sabdari stanza means pankti. Panchama pankti re se sabdari ka pai byabahar kara jaichi. In the 5th stanza, he stands for the smallest boy. Question number 23. Why did the boy cry out in frustration anguish? Piladi kaingi noirashyare o tibra manasika jantranre kandi pakaila. The boy cried out in frustration and anguish because he fell to the ground and was unable to run.
क्वेश्चन नंबर 24 दैट इज व्हाट डेसड इन द डार्ट व्हाट मेक्स द पॉइंट से सो कौन मटेरियल मिसीगला बा नष्ट हो गला आमती कौन है कवि एमती कहवापी कहीं बाध्य दि यंग बॉयज ड्रीम्स एंड एफर्ट्स ड्रीम्स मीन स्वप्न एफर्ट्स उद्यम डेस्ड इन दि डार्ट दुड़ी सात हो गला दि पॉइंट सेस सो बिकॉज दि बॉय फेल टू दि ग्राउंड एंड क्राइड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश क्वेश्चन नंबर 25 एंड इट इज लाइक दिस व्हाट डिड दि अदर रनर डू अन्य धावक माने कौन करले दि अदर रनर्स स्टॉप्ड रनिंग नेक्स्ट जस्ट 1 मिनट यस क्वेश्चन नंबर 26 एंड इट इज लाइक दिस हाउ डू यू फील अबाउट देयर स्टॉपिंग हियर शुड एथलेट्स डू लाइक दिस से माने रहनी विषय तुम्हें कौन भावुच खेलाड़ी माने हाउ डू यू फील तुम्हें कौन भावुच से रहनी विषय तुम्हें कौन भावुच खेलाड़ी माने करवा उचित कि वी फील समथिंग अनयूजुअल अबाउट देयर स्टॉपिंग हियर यस एथलेट्स शुड डू लाइक दिस बिकॉज दिस इज कॉल्ड फेलो फीलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 हु डज हिम स्टैंड फॉर इन द सिक्स्थ स्तंदा षष्ठ पंक्ति रे हिम शब्दटी का पाई व्यवहार करा जाय छी इन द सिक्स्थ स्तंदा हिम स्टैंड्स फॉर दिस स्मॉलेस्ट बॉय 28 व्हाट हैड दे डन फॉर द बॉय टू कंप्लीट द रेस दौड़ समाप्त करिवा को से माने पिलाटी पाई कौन करथिले दे हैड मेड द बॉय स्टैंड टू कंप्लीट द रेस क्वेश्चन नंबर 29 व्हाई डिड दे गो बैक टू हिम से माने तापा को काई के फेरिथिले दे वेंट बैक टू हिम टू हेल्प हिम स्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 30 व्हाट डिड दे डू फास्ट से माने प्रथमे कौन करथिले एट फास्ट दे जॉइनड हैंड्स क्वेश्चन नंबर 31 व्हाट डिड दे डू नेक्स्ट तापर कौन कले देन दे कंटिन्यूड टू वॉक हैंड इन हैंड टू विन द रेस टू कंप्लीट द रेस क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट हैड हैपेंड दैट इज 32 व्हाट हैपेंड टू द 100 yard रेस 100 yard दौड़ रे दौड़ कौन हैला दि 100 yard रेस टर्नड इनटू ए वॉक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दैट इज 33 व्हाट डिड दे कैरी विथ देम दे कैरीड दि बैनर विथ देम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट डिड दि बैनर से बैनर बा पताका बा बाना कौन कहतला दि बैनर सेड दैट इट वाज ए स्पेशल ओलंपिक नेक्स्ट ध्वज बाना बैनर विच बाना कहपर पताका कहपर ध्वजा भी कहपर 35 व्हाट डिड दि रेस एंड विथ दौड़ प्रतिजोगिता किपर परिसमाप्त होता दि रेस एंडेड विथ 9 gold medals क्वेश्चन नंबर 36 हाउ डिड दे कम टू दि फिनिशिंग लाइन और फिनिश लाइन किपर से माने अंतिम रेखा पर्यंत आसी दे केम टू दि फिनिश लाइन वाकिंग होल्डिंग हैंड्स टुगेदर क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट डू यू मीन बाय ए स्टैंडिंग ओवेशन स्टैंडिंग ओवेशन समवेत
ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ଅର୍ଥ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଏ ଷ୍ଟେଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ୍ ମିନ୍ସ ଏ ଜୟଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ବାଇ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲାଉଜ୍ କରତାଳି ଅର୍ ରିସେପ୍ସନ୍ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଏଣ୍ଡ ଦି ନେକ୍ସଟ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 38, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ୱେର୍ ଦେର୍ ଫେସେସ୍ ଦେନ୍ ୱେର୍ ଦେ ଅଲ୍ ହେପି ୱାଇ ଦେ their faces were full of beams then their faces brightened up then they were all happy because they all were happy because all got gold medals. Next one is 39. What do you learn from such type of help of the athletes? So we learn the quality of a fellow feeling from such types of help of the athletes, fellow feeling and a brotherhood. Next, we will move to the other questions. Let's see if any. Yes. What is that? This is, let's appreciate the poem. What message does the poet convey in 9 gold medals? ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କବି କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଦି ପଏଟ୍ ଇନ୍ ଦି ପୋଏମ୍ 9 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ସ କନଭେସ୍ ଦି ମେସେଜ୍, କନଭେ ମିନ୍ସ ଜଣାଇବା, ଦି ମେସେଜ୍ ବାର୍ତ୍ତା, ଦଟ୍ ଦି ୱାରେଣ୍ଟ ନାଓ ନିଡ଼୍ସ ନୋ ମୋର୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଟ୍ ମୋର୍ ଲଭ୍, ଏଫେକ୍ସନ୍, ଫେଲୋ ଫିଲିଙ୍ଗ, କୋପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲାବରେସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ, ୱିନିଙ୍ଗ ଏ ମେଡ଼ାଲ୍ ଅର୍ ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଏ ଫେଲୋ ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଏ ଟ୍ରାଭେଲ୍? ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଏ ଫେଲୋ ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନେସେସରି ଫର୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦି ଇମୋସନ୍ସ ଆଫ୍ ଅଦର୍ସ ଅର୍ ଟୁ ବିକମ୍ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼? କେଉଁଟି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଦରକାରୀ ଅଟେ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ, ଇମୋସନ୍ସ ମିନ୍ସ ଇଭନ୍ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା, ଅଥବା ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ, ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ମିନ୍ସ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା? ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେସେସରି ଫର୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦି ଇମୋସନ୍ସ ଅଫ୍ ଅଦର୍ସ, ଅନ୍ୟର ଆବେଗକୁ ବୁଝିବାଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ। ନେକ୍ସଟ ହିଅର୍ ଇଜ୍ ଏନାଦର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍। ହି ଗେଭ୍ ଆଉଟ୍ ଏ କ୍ରାଏ ଇନ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗୁଇଶ୍, ହିଜ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଫର୍ଟ୍ସ ଅଲ୍ ଡେଜ୍ ଇନ୍ ଦି ଡଚ୍। ଦିଜ୍ ଟୁ ଲାଇନ୍ସ ମିନ୍ ଦି ବୟ ଫେଲ୍ ଟୁ ଦି ଆସଫାଲ୍ଟ ଅର୍ ଅନ୍ ଦି ଟ୍ରେକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଇଡ୍ ଇନ୍ ହୋପ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଙ୍ଗୁଇଶ୍, ହି ୱାଜ୍ ହୋପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଟେରିବଲ୍ ପେନ୍। ହି ଥଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ୱେର୍ ସଟାର୍ଡ ଡେସ୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ଡାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଇଫୋର୍ଟ୍ସ ୱେଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଇଫୋର୍ଟ୍ସ ୱେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ଲେସ୍, ଇଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିମ୍ ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ହୋପ୍ଲେସ୍ନେସ୍ ଏଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଫର୍ ସେଭରାଲ୍ ମନ୍ଥସ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିସ୍ଡ ଟୁ ୱିନ୍ ଦି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ 9 ବିମିଂ ଫେସେସ୍ ସେଇଟ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଦିଜ୍ ୱାର୍ସ ଇଭର୍ ୱିଲ୍? ଦିସ୍ ଲାଇନ୍ ସେସ୍ ଦାଟ୍ ଆଫ୍ଟର୍ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରେସ୍ 9 ରନର୍ସ ରିସିଭ୍ଡ 9 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱେର୍ ସୋ ମଚ୍ ହେପି ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ ଫେସେସ୍ ୱେର୍ ୱିମିଡ୍ ଅପ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଜୟ ଆଣ୍ଡ ଦେର୍
एंड वार्स फेल टू एक्सप्रेस देर सेटिस्फिकेशन देर जॉय देर हैप्पीनेस इन दैट मीन्स हियर कंपटीशन और विनिंग द मेडल वाज नॉट इम्पोर्टेंट एंड दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम नाइन्थ क्लास पोएम नाइन गोल्ड मेडल्स रिटन बाय डेविड रॉथ वी विल हैव अदर टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट क्लास टिल देन बाय थैंक यू.